हेलो दोस्तों दोस्तों आप देख रहे हैं अपना चैनल टेके जे से मैं जुबानी आपका दोस्त। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि एवास ड्रॉपिंग आखिर क्या चीज़ होती है, किस बला का नाम है। तो देखो, एवास ड्रॉपिंग अगर एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो जो दो लोग बात कर रहे हैं उनके अंदर जो तीसरा अनऑथराइज्ड आ जाता है या फिर उसको बात सुनने की परमिशन ना होती है, फिर वो सुन लेता है। जैसे होता है ना कि कुछ प्राइवेट बात हो रही हो, वहाँ पे तीसरा आ जाता है तो लोग बात करना बंद कर देते, तो उस टाइप का सा है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं एवास ड्रॉपिंग, मतलब दो बात कर रहे हैं, तीसरा उनकी बातों को सुन लेता है या सुनने की कोशिश कर रहा है, तो उसको बोलते हैं एवास ड्रॉपिंग इन एकदम सिंपल लैंग्वेज, बिना किसी रॉकेट साइंस के, ठीक है। अब एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इंटरसेप्टिंग एंड व्यूइंग द कंटेंट एंड कम्युनिकेशन इन एन अनऑथराइज्ड वे। तो यही हमने देखा, जो कि जिसको एक्सेस नहीं है, जिसको परमिशन नहीं है बोलने की, फिर वो बोलता है तो हम उसको कंसिडर करते हैं अनऑथराइज्ड वे के अंदर, और वो आता है एवास ड्रॉपिंग के अंदर। अब इलेक्ट्रॉनिक एवास ड्रॉपिंग, ठीक है, यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटिंग और रिकॉर्डिंग डिवाइसेस टू मॉनिटरिंग कन्वर्सेशन इन एन कन्वर्ट मैनर। मतलब हम उसको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन में रिकॉर्ड कर लेते हैं या फिर उसको मॉनिटर करते हैं, प्लस एवास ड्रॉपिंग की कुछ टेक्निक्स हैं। अब एवास ड्रॉपिंग क्या होता है, दो लोगों के बीच की बातें सुनना, ओके। तो हम कैसे कैसे टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, अब देखो ये टेक्निक एकदम वैसे है नॉर्मल जो डेली यूज़ होती हैं, इनके अलावा भी काफ़ी टेक्निक हो सकती है और डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अब देखो साइबर सिक्योरिटी आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज बता दूँ, साइबर सिक्योरिटी कुछ ऐसा नहीं है कि जो मैंने बोल दिया आप उसको अप्लाई करोगे हो जाएगा। अब वो ये, इसके अंदर आपको आपका जो खुद का माइंड है आप अलग अलग रास्ते निकाल सकते हो, क्योंकि अब देखो एक सिस्टम है, ठीक है, उसके अंदर एक लूपहोल निकल गया। अब एक लूपहोल निकल गया, वो लूपहोल सही कर दिया, फिर आपको ऐसा नहीं कि आप बैठ गए चलो अब इसमें कुछ रही नहीं, आपको दूसरा लूपहोल ढूंढना पड़ेगा। ये है साइबर सिक्योरिटी, मतलब आपको कंटिन्यूसली मेहनत करते रहना पड़ेगा, अपनी स्किल को इम्प्रूव करता रहने पड़ेगा साइबर सिक्योरिटी के अंदर। ये यहाँ पे ऐसे मान लो जितनी आप मेहनत करते हो ना उससे 3 गुना ज़्यादा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अब ये जितना भी कोर्स है, मैंने एक कोर्स बना रहा हूँ, अगर आपने इसको एक्सेस नहीं किया तो एक्सेस कर लो। देखो मैं आपको बता भी देता हूँ कहाँ से एक्सेस करना, वीडियो के एंड में बताएंगे कैसे एक्सेस करना है, पूरा कंप्लीट कोर्स है। अब इसके अंदर सबसे पहले फ़ोन लाइन से, आप जो फ़ोन कर रहे हो फ़ोन से सुन सकता है, जैसे पहले लैंडलाइन आते थे तो उसकी एक लैंडलाइन की बातें दूसरे पे सुनता था उस टाइप के, या फिर आप जो फ़ोन यूज़ करते हो उस फ़ोन से भी आपका फ़ोन टैप करके इस टाइप के कर ले तो आपकी सुन सकता है। फिर ईमेल से आपका मतलब ईमेल देख सकता है, ईमेल भी बताऊंगा कैसे देख सकता है आगे। फिर इंस्टेंट मैसेज, आपका जो किसी ने आपको मैसेज भेजा उस मैसेज के बीच में इंटरसेप्ट कर लेता है, जैसे कि फिशिंग अटैक कर सकता है क्योंकि आपको कोई भेज रहा है, फिर आपके और सर्वर के बीच में आके वो कुछ न्यू कनेक्शन बैठा के आपकी डिटेल ले लेता है। तो ये होता है कुछ टेक्निक्स हैं इस टाइप की एवास ड्रॉपिंग में, ठीक है। इसके बाद आता है एवास ड्रॉपिंग काउंटर मेजर, हम एवास से कच्चे बच सकते हैं कोई ऐसा ना कर। सबसे पहले अगर आप कुछ सर्वर से डाटा ले रहे हो तो आपको उसके सर्वर के अंदर कुछ लेयर लगा देनी है इंक्रिप्शन की, ताकि आपका डाटा इंक्रिप्टेड वे में, अगर कोई बीच में एक बंदा बैठा भी है, हैकर बीच में बैठा भी है, तो वो डाटा आपका एक्सेस ना कर पाए, डाटा एक्सेस इन द सेंस आपका डाटा उसके पास चला जाएगा, बट जब तक डाटा डिक्रिप्ट नहीं होगा वो डाटा किसी काम का नहीं, ओनली फॉर स्टोरेज भरेगा, ये है। तो आपका डाटा पूरा सेफ रहेगा। दूसरा, इम्प्लीमेंटिंग WEP4 वायरलेस नेटवर्क, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब अगर वायरलेस नेटवर्क आप यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर WEP या कोई इंक्रिप्शन सिक्योरिटी ज़रूरी है, बिकॉज इंक्रिप्शन सिक्योरिटी नहीं रहेगी तो आपका पूरा डाटा ऐसे ही पड़ा रहेगा, उससे अगर आप कुछ भी क्रेडेंशियल डालते हो तो वो इजीली कोई एक्सेस कर सकता है, फिर लॉग फाइल के अंदर निकाल सकता है बाद में, ठीक है। अब बात करते हैं सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, डिप्लॉय सिक्योरिटी प्रोटोकॉल सच एज IPSec, SSH और SSL। आप इन प्रोटोकॉल्स को यूज़ कर सकते हो, ये सिक्योरिटी की आपकी काफ़ी इन्हांस कर देते हैं। अगर आप इन प्रोटोकॉल को नहीं जानते IPSec, SSH और SSL के बारे में, तो मैं आपको बता दूं, अभी मैंने पूरी अपनी ये जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है इसके अंदर ये इनकी हमने बात की है कि ये क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। तो ये अपनी पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट, इसके अंदर हमने SSL ये सारे प्रोटोकॉल्स की, हमने WEP की यहाँ बात की है, फिर IPSec की यहाँ पे बात की है, SSL SSH की हमने यहाँ पे बात की है। तो ये पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट है, ये वीडियो भी इसी प्लेलिस्ट का एक पार्ट है, तो आपको यहाँ से
इसको यहाँ से पहली वीडियो से स्टार्ट करो ताकि आपको पूरा एकदम कोस्ट में सिस्टमेटिक चलते रहें, और हो सके तो आप इसके नोट्स भी बनाते रहें। और मैं वैसे ही जितनी भी पीपीटीज हैं सारी डिस्क्रिप्शन लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और प्लस अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आई ना तो मेरे को मैसेज कर सकते हैं। तो वापस आ जाते हैं अपने कोर्स पे, ठीक है। अब ये आपको प्रोटोकॉल डिप्लॉय करने ताकि आपकी सिक्योरिटी इन्हांस हो जाए। फिर आता है नेवर एक्सेस ईमेल यूजिंग पीओपी और आईएमएपी प्रोटोकॉल्स इन केस ऑफ ए वायरलेस नेटवर्क। तो ये क्या बोलते हैं, अगर वायरलेस नेटवर्क पे हो आप, ठीक है, तो उस पर पीओपी और आईएमएपी प्रोटोकॉल्स से एक्सेस ना करें, क्योंकि ये देख दोनों ही है ना प्रोटोकॉल्स, मतलब अपनी मेल को रीड करने के लिए यूज़ होते हैं। अब सबसे पहले तो एकदम सिंपली आपको इसका डिफरेंस बता दो, पीओपी क्या होता है, आईएमएपी क्या होता है। तो पीओपी होता है मतलब आपने मेल एक बार रीड कर ली, रीड करते ही वो आपके जो लोकल सिस्टम है उस पर डाउनलोड होगी, जैसे डाउनलोड होगी जो जीमेल सर्वर है या कोई भी आपका मेल सर्वर है वहाँ से सर्वर सेट जाएगी। मतलब आपने जैसे खोली डाउनलोड हुई मेल सर्वर सेट गई, मतलब वो हट गई पूरी, रिमूव हो गई। और आईएमएपी में क्या है, इसकी आपकी मेल सर्वर में स्टोर रहती है, ठीक है। दूसरा पीओपी में क्या है, पीओपी आप एक एक साथ ओनली फॉर सिंगल पीसी में ही यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक डिवाइस में यूज़ कर सकते हैं। बट आईएमएपी क्या है, मल्टीपल डिवाइसेज में आप इसको लॉगिन करके यूज़ कर सकते हो। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ये दोनों को यूज़ नहीं करना चाहिए इन वायरलेस नेटवर्क, ठीक है। सबसे पहले आपका जो पीओपी है ना, अगर पीओपी आप यूज़ करोगे तो किसी ने वायरलेस से अगर एक्सेस कर लिया है, मान लो एक्सेस हो गया, ठीक है, फिर उसने मेल जैसे डाउनलोड की तो उस सिस्टम में मेल चली गई, आप उस मेल को देख नहीं पाओगे तो आप अपने मेल खो दी, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा लूपहोल है पीओपी का, आप उस मेल को आप जैसे डाउनलोड करोगे वो डाउनलोड हट जाएगी और ये एक ही पीसी में लॉगिन रहती है। प्लस आईएमएपी का क्या है, ये मल्टीपल डिवाइसेज में लॉगिन रहती है, ये इसका बेस्ट है। बट इसमें भी एक लूपहोल है, अगर बाय चांस आप एक सिस्टम से मान लो कि आपने इसको यूज़ किया, ठीक है, जो आपका वायरलेस नेटवर्क है वो अगर सिक्योर्ड नहीं है, या फिर उसकी आपकी जो मेल की क्रेडेंशियल है वो किसी दूसरे को मिल गए और फिर वो उनको यूज़ करता है अपने हिसाब से, उसको लॉगिन कर लेता है आईएमएपी में और फिर उसको रीड करता है, रीड करके डाउनलोड कर लेता है। और इन केस अगर वो उसको डाउनलोड कर देता है एक ईमेल से, मतलब एक सिस्टम से, तो आपके सिस्टम से भी डाउनलोड हो जाएगी। तो ये भी इसका लूपहोल है, इसलिए कहते हैं कि जो ईमेल इस टाइप के हैं वो पहले तो सबसे आपको पब्लिक वाईफाई पे ऐसे कनेक्ट करना ही नहीं चाहिए इजीली, बिकॉज पब्लिक वाईफाई के अंदर ऐसे लोग बैठे रहते हैं भर भर के, क्योंकि आप उसके पब्लिक वाईफाई जैसे एक्सेस करोगे तो आप अपने फ़ोन से उसको कनेक्ट कर रहे हो, मतलब इंटरनेट से कनेक्ट कर रहे हो, तो वहाँ से कनेक्ट होने के बाद आपके सिस्टम के अंदर बग्स या कुछ भी आ सकता है, प्लस आपका जो क्रेडेंशियल है वो भी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वॉइस ड्रॉपिंग समझ में आ गया हो, कैसे आप इससे बच सकते हैं वो भी समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको अगर कोई डाउट है तो नीचे मेरे को कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे को पर्सनल इंस्टाग्राम पे आके मैसेज कर सकते हैं, लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में है। और कमेंट बॉक्स अपना है ही, उसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है। आपको वीडियो जैसी भी लग रही हो आप एक कम से कम एक कमेंट तो दें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको एक कोर्स हेल्पफुल लग रहा है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं अगर उनको भी इस टाइप के इंटरेस्टेड है हैकिंग में, साइबर सिक्योरिटी के अंदर, तो उनको आप ये कोर्स रिकमेंड कर सकते हो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या फिर कुछ आप अपना सुझाव रखना चाहें तो फ्री टू फॉल आप दे सकते हैं, एकदम आपका सुझाव सराखों पे रखा जाएगा, एकदम दिल से लगा के रखा जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।